हेलो दोस्तों वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल में उठी अल्फाज और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप जो एमेजन का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो दोस्तों कैसे आप जो एमेजोन पे का यूपीआई पिन को आप जो फोर्टेट करके यानी रीसेट करके कैसे दोस्तों आप जो एमेजन पे का आप जो एक न्यू यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप जो एमेजन पे का अगर आप जो यूपीआई पिन को भूल गए तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे दोस्तों भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेकन प्रेस

ऑप्शन तो इस पर आपको टच कर देना क्लिक कर देना और यहाँ पे नीचे साइड तो में आ जाना है और दोस्तों आप जो जितना भी अमेजन पे में आप जो बैंक अकाउंट को लिंक कर होंगे तो यहाँ पे दिख जाता है ठीक है तो जिस भी बैंक आप जो यूपीआई पिन भूल गए हैं एमेजोन में तो यहाँ पे आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको मिलेगा एक थ्री डॉट का ऑप्शन तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप थ्री डॉट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे सामने कुछ इस तरह पेज पिन पे आ जाता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है चेंज यूपीआई पिन और नीचे की साइड में फोर गेट यूपीआई पिन ठीक है तो यहाँ पे अगर आप जो है पहले वाला आपको जो है यू पिन याद है तो यहाँ से आप जो चेंज कर सकते हैं ठीक है पहले वाला डाल के ओल्ड यूपीआई पिन डाल के चेंज कर सकते हैं अगर आप जो भूल गए हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर फोरगेटेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना टच कर देना है ठीक है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सामने कुछ नोटिफेस आ जाता है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इंटर लास्ट फो छः डिजिट और डेबिट कार्ड ठीक है तो यहाँ पे अगर आप जो है यू पी पे का यू पिन भूल गए हैं तो आपको जो है एक एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और उस एटीएम कार्ड पे आपका जो है छः अंक जो है नंबर डालना पड़ेगा यानी लास्ट का छः अंक आपको डालना पड़ेगा एटीएम कार्ड का नंबर ठीक है तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं आपको लास्ट का छः अंक डालना है एटीएम कार्ड का और उसके बाद नीचे की साइड में आपको मिलता है वैलिड अप टू यानी एक्सपायरी डेट आपको मिलेगा एटीएम कार्ड पे ही लिखा हुआ मिलेगा जो कि मंथ एयर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ठीक है एक्सपायरी डेट आपको मिलेगा वैलिड अप टू तो यहाँ पर आपको डाल देना है और ए कार्ड का लास्ट का छः डिजिट का नंबर यहाँ पर डाल देना है लास्ट का ठीक है तो चलिए मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सही तरीके से यहाँ पे आपको भर देना है और ए कार्ड का डिटेल्स और यहाँ पे आपको मिलेगा सेट योर यू पिन का ऑप्शन ठीक है तो यहाँ पे आपको सेट योर यू पिन का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पे सामने कुछ नोटफेस आ जाता है और यहाँ पे इंटर फ छः डिजिटिट बैंक ओ आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा उसके बाद यहाँ पे आपको साइन टिक वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है टच कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलता है सेट फोर डिजिट यूपीआई पिन तो जो आप यूपीआई पिन क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप जो है भूल गए थे और आप जो है न्यू बनाना चाहते हैं यानी आप जो है सेट कर लेंगे ठीक है यानी यूपीआई पिन आप जो क्रिएट कर लेंगे ठीक है तो चले मैं यूपीआई पिन क्रिएट कर लेता हूं तो यहां पे मैंने यूपीआई पिन क्रिएट कर लिया तो इसी तरीके से आपको जो है एक यू पिन न्यू क्रिएट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे कोई साइंटिक कॉप्स मिलता है इस पर आपको टच कर देना है और जैसे आप सैनिक कॉप्स पर क्लिक करें तो लिखा हुआ है कन्फर्म फोर डिजिट यूपीआई पिन तो यहाँ पर दोबारा आपको डालना है जो अभी आपने यू पिन क्रिएट किया है तो यहाँ पर कन्फर्म फोर डिजिट यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ पर

चाहेंगे सब स्क्रैप करिए बेलाइकन प्रेस कर दें तो चल दो सब फिर मिलेगा अगली वीडियो में तब तेरे दीजिए जो थैंक यू सो मच